कि मेरा फोर्थ रैंक आया, मेरा टेस्ट काफी बच्चे थे ऑल इंडिया से, था ऑल इंडिया विच बहुत कई जगह से। अवंती तो किसी जगह नहीं, वो करे आप बोलो ना, वो भी टूर पे आई फोटो बोलो छोड़ दे आई मन दे दो आप ही देख लिया चल ले मैं गगन एक फोटो मैं भी बना सही पेज हां पे जो पेज में तो मैं सीख बना चैट बॉक्स में लिख दो गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग एवरीवन, गगनमान गगन गुड इवनिंग मैम स्टार्ट करेंगे क्लास, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन डीपीपीज है जो अभी तक हमने फिलोसफी पढ़ ली है, वहां से क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके सॉल्व करके मुझे आंसर बताते जाओ। ये पांच सवाल है, पांचों सवाल करो। यू हैव टाइम ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है? सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन, यू हैव टाइम 4 मिनट्स पहले क्वेश्चन के लिए। सबका जवाब आना चाहिए।
क्या है, देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है 3.2 मिली एम्पीयर का, तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक कर रहे होंगे पर सेकेंड किसी भी टारगेट को। तो करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बस यही काम। क्या आंसर है चिराग पहले का? मैं फर्स्ट ऑप्शन 2 × 10^16। जी वेरी गुड। सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाना था, I=Q/T, यू हैव I, यू हैव T, बस ओनली Q निकालना था। वेरी गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। बाकी के सही को सवाल किया तुमने, I=Q/T। वेरी गुड, तो Q की वैल्यू कितनी है, नहीं एन ई, टाइम कितना है पर सेकेंड, तो टाइम यानी वन, एन निकालना है, आई कितना गिवन है 3.2, तो यहाँ पे लिखती हूँ 3.2 मिली एम्पियर, तो मिली को एम्पियर में चेंज करा, -3 अपॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10^-90, तो 1.6 करिए कितना हो गया 2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10^+90, कितना आ गया 10^16। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड करो। बीपीपी सॉल्व करनी है, मैम 10^6 ए ऑप्शन आ रहा है। यस मैम, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चेक करो दोबारा। पावर 7 आंसर है। भाई फटाफट करो इस क्वेश्चन को, I=Q/T, तो तुम्हें करंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 1 मीटर की अगर वायर है इसमें वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो I=Ne/T, ठीक है, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालने हैं।
एन का क्या, एन किसके बराबर हो गया, एन इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। आई तुम्हारे पास है, ई भी तुम्हारे पास है, टाइम कैसे निकाल लोगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस 1 मीटर, वेलोसिटी 10 to power 6। फॉर्मूले में पुट करो, योर आंसर विल बी 2 10 to power 7। यस मैम सही है, 10 के पास आनी है। ओके वेरी गुड। थर्ड करो, तो वीडी एनी ए से भी कर सकते हैं ना, प्लस 2 एंड ई ए बी डी। आई की वैल्यू गिवन है, ई भी है, वेलोसिटी भी है, बिल्कुल। ए कहाँ से है, एरिया कैसे निकाला, एरिया मतलब बीम है ना, तो बीम स्ट्रेट होती है। देखो ये लग गया तुम्हारा आंसर, बट एरिया का दिक्कत है, एरिया उस सर्कुलर वायर का होता है ना, तो इस वायर की लेंथ गिवन है, तो एरिया मतलब डायमीटर होना चाहिए, तो थोड़ा सा नहीं होगा। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम क्या होगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। थर्ड करिए, क्या है, बोहर मॉडल है एक, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट के अराउंड घूम रहे हैं, जिस ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है। तो आई क्या होता है, अभी तुमने देखा है ई बाय टी एंड ई बाय टी, तो टाइम कैसे निकाला हम लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड तो ऑलरेडी गिवन है 1 पॉइंट, तो आई टी बाय ई टाइम पीरियड भी गिवन है, आई भी, करंट ही निकालना है ना, तो यू हैव व्हाट, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, ठीक है, रेडियस गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, तो आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी विच इज एन ई बाई टी बाई टी। ओके बस ई की वैल्यू भी है, सीधा हो जाएगा, ई बाई टी लगा दो बस, रेडियस की देखो जरूरत भी नहीं है। E by T कर दो, उलझाने के लिए दिया हुआ है रेडियस, रेडियस का कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक फॉर्मूले पे रिलाय करो, बेसिक फॉर्मूला।
क्या आंसर है? भाई क्यू बाई टी करना है यार, आई की वैल्यू होती है मेरे पास क्यू बाई टी। अब मुझे टाइम पीरियड चाहिए और चार्ज चाहिए, उससे मुझे करंट मिल जाएगा। टाइम पीरियड तो ऑलरेडी गिवन है, अब मूव क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन टाइम पीरियड व्हिच इज 1.5 इनटू 10 टू पावर माइनस 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, पावर 1.6 अपॉन 1.5 कितना है, ये हो गया माइनस 19 और ये प्लस 16, तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 3। 1.6 1.5 कितना हो जाएगा, आई थिंक डी ऑप्शन 1.07 10 टू पावर माइनस 3। आ रहे हैं वाले आंसर? यस मैम। चलिए चौथा करिए। फोर्थ फिफ्थ के साथ में आंसर दे दो, इतने बड़े बड़े हैं नहीं ये, इतना तुम टाइम दे रहे हो। फोर्थ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ऑर्बिट दिस रेडियस फ्रीक्वेंसी, करंट बता दो, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब देखो 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/T को मैं क्या लिख सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, क्यू चार्ज पता ही है तो आई आ जाएगा, रेडियस फिर से उलझाने के लिए दे दिया, तो ऐसे सवालों में उलझना नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करो इसका आंसर, यू विल गेट 1.1 इनटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पीयर। फॉर्मूला बेस था, पांचवा करो। फिफ्थ करो, भाई ये अच्छा सवाल है, इसका आंसर तो तुम ही दोगे। चलो क्या कह रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब है लेफ्ट पर मूव कर रहे हैं पर सेकेंड, व्हाट इज द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कर रहे हैं तो आई क्या होगा, टोटल प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों का प्लस निकालो, साइन देखो, करंट सेम डायरेक्शन में है अपोजिट में है, देखो तुम्हारे पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, तो करंट यही होगा प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट भी यहाँ होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, विच इज एन ई पी प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन, तो कितना नंबर है 2.9 और ये 1.2, ई दोनों का सेम है तो बाहर ले लेते हैं, कितना है 2.9 इंटू 10 टू पावर 18 प्लस 1.2 इंटू 10 टू पावर 18, 3.2 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19,
तो ये कितना हो गया 3.1 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो तो4.96 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। यस मैम 3.1 की जगह पर 4.1 नहीं आएगा 10 11 9 9। हाँ भैया सॉरी ये 4.1 आएगा है ना कैलकुलेशन में। 4.1 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 0.66 ही आ रहा है ना शायद। यस मैम 0.66 क्योंकि ये 6.56 है तो वो 6.6 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब डायरेक्शन देख लो कहाँ पे आएगी टुवर्ड्स सॉरी राइट आएगी है ना जिस डायरेक्शन में तुम्हारा प्रोटॉन मूव कर रहा है तो 0.66 एम्पियर टुवर्ड्स राइट। क्या इनमें क्या गड़बड़ हो गई जो नहीं हुआ? तो ये तुम्हारे करंट के क्वेश्चंस हैं जो करंट के बेसिस पे बने हैं। इसमें देखो तुम्हारे पास अब तुम्हें HW यानी होमवर्क वाले PPTs भी मिल जाएंगी। होमवर्क वाली DPPs भी एक बार मैं देख लेती हूँ उनमें से जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी एक बार कर लेते हैं। CW मैंने कंप्लीट करा दी है। देखो यहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हें एक CW HW दोनों मिलेगी। DPPs ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चन तो HW में इलेक्ट्रिक करंट ये रहा है। करिए चलिए पहला क्वेश्चन करो पहला दूसरा तीसरा तीनों करो तीनों क्या सारी करो की? करो बैठ के एक से दो सेकंड के बीच में करंट निकालो। चार्ज क्या क्या आ रहे हैं भाई अभी सभी बोलेंगे क्या मैच कर रहे हैं तुम लोग आपस में तुम लोगों के फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है ना ये। अब तुम्हें एक से लेके दो सेकंड के बीच में करंट निकालना है तो डी क्यू क्या हो जाएगा आई डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो यू विल गेट कंप्लीट वैल्यू ऑफ क्यू कहाँ से कहाँ तक टाइम का इंटीग्रेशन करो एक से दो सेकंड तक। तो आई का इंटीग्रेशन किया कितना मिला टी क्यूब प्लस टी फोर है ना। यस ठीक है तो दो एक से दो सेकंड की तुमने लिमिट रख दी तो टू की क्यूब प्लस टू की फोर
माइनस 1 की क्यूब को बाहर ले प्लस 2 की 1 का फोर करो सॉल्व। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 माइनस 2 है ना। तो ऐड कर लो, 16 और 8 कितना हो गया 24 और माइनस 2 तो 22 हो गया भाई, यही आ रहा है। यस मैम। चलो वेरी गुड, सेकंड नंबर करो। चार्ज निकालना है 20 सेकंड में। बीटा गिवन है दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू ये रही बीटा ये रहा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 20 सेकंड, तो कितना होना चाहिए 80 कूलम। इसमें तो देखो dq/dt का कुछ आवश्यकता है ही नहीं, इंस्टेंट पे पूछा है। अच्छा इसमें पूछे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 20 सेकंड, यानी पूरे 20 सेकंड में पूछा है भाई कितना होगा, पूरे 20 सेकंड में कितना फ्लो करेगा। अगर टाइम तुमने जीरो रखा तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा था उसमें 20 है ना। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो की मैं बात करूं तो कितना फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर, और 20 सेकंड में बात करूं तो 20 सेकंड में कितना फ्लो कर जाएगा 20 प्लस 3 जा कितना हो गया 16 प्लस 20 यानी 80 एम्पियर, यानी जब टाइम जीरो था तब भी उसमें कुछ ना कुछ करंट था, तो 20 सेकंड में कितना फ्लो कर गया, तो मतलब ऑप्शन डायरेक्ट 80 को लाम ही है, और तो कुछ लग नहीं रहा जाना हजार वगैरह 80 कूलम। आंसर चेक कर लेते हैं साथ के साथ, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आंसर चेक कर लेना चाहिए बिल्कुल। इंटीग्रेशन करके करना था dq/dt से, गलत ऐसे भी नहीं होगा ना, 20 सेकंड का पूछा है तो एकदम से तो नहीं करा जाएगा गलत, 80 सेकंड तो नहीं है। dq/dt करके करो, पूरे 20 सेकंड में निकालना है ना, तो एक से लेके 20 सेकंड का पूरा इंटरवल करना पड़ेगा ना आई का, तो इंटीग्रेशन करो इसका 20 प्लस 3 टाइम्स ऑफ t dt, तो एक से लेके 20 तक इंटीग्रेशन करो क्योंकि पूरे 20 सेकंड में पूछा है, तो ये इंटरवल है तुम्हारे पास, तो 20t प्लस 3t स्क्वायर बाय 2। टाइम कितना है पहले 20 रखो, 20 इंटू 20 प्लस 3 इंटू टाइम कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। चार हो गया ना, अब पहले इसको सॉल्व करो फिर माइनस भी करना है तुम्हें, 20 प्लस 3/2 यानी 43/2 लिमिट मैम 0 से 20 जीरो से आएगी, हाँ 0 से आएगी, यस 0 से आएगी, तो ये तो हट ही गया, हाँ 20 सेकंड है ना तो 0 से लेंगे, हाँ तो ये हो गया तुम्हारे पास 400
प्लस 600 तो 1000 गुना। तो यही है भाई, लार्ज इंटरवल में है ना, तो हमें तुम्हें इंटीग्रेशन करके ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया। तो वो इंस्टेंट का निकाला है, जो 80 गुलाम आया ना वो इंस्टेंट का आया है कि उस इंस्टेंट पे कितना टाइम फ्लो कर रहा है, क्योंकि एट टी इक्वल्स टू सेकंड 20 सेकंड का निकालते हैं कैसे, डी क्यू बाई डी टी करके, मतलब उसी टाइम पे रखे। पर तुम्हें क्या निकालना है कि पूरे 20 सेकंड में कितना फ्लो हुआ, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थर्ड करो, तो देखो जब मिनिमम की बात करते हैं, जब मिनिमा और मैक्सिमा की, तो डेरिवेटिव को क्या कर देते हैं, जीरो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट का मतलब है कि डी आई बाई डी टी किसके बराबर है बच्चों, जीरो के बराबर होना चाहिए ना। जब भी मैक्सिमम मिनिमम करते हैं तो यही फॉर्मूला होता है कि उसका डेरिवेटिव को जीरो के बराबर कर दो, तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ आई। अगर मैक्सिमम पूछता तब भी यही करते, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप ये तभी होंगे। तो करो, क्यू गिवन है, क्यू से आई निकालो, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। हमें क्या किया वन है, क्यू गिवन है, तो आई कैसे निकालेंगे बच्चों, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। निकालेंगे आई डी टी करके, पर निकालना क्या है हमें, आई निकालना है, तो डी क्यू बाई डी टी कर दो भाई, यानी इसका डेरिवेटिव कर दो। नहीं, डेरिवेटिव करोगे आई तो, क्यू तो गिवन ही है ना, चार्ज नहीं निकालना, डेरिवेशन क्या आया इसका, डेरिवेशन आई कितना आ गया, अल्फा माइनस टू बीटा टी प्लस थ्री गामा जी गामा, तो ये आई आ गया। अब आई के बाद क्या निकालना है आपको, मिनिमम वैल्यू, तो आई का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्या करो, इस आई का डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू। यानी अब आई का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी डी आई बाई डी टी, सॉरी डिफरेंशिएशन। अल्फा का तो जीरो हो गया, इसका टू बीटा हो गया, इसका कितना हो गया, माइनस सिक्स गामा टी, माइनस क्यों होगा, बीटा प्लस सिक्स गामा टी है ना, ये हो गया। अब इसको डी आई बाई डी टी को किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर, क्योंकि यही होती है तुम्हारी मिनिमम वैल्यू, जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दो, तो यानी माइनस टू बीटा प्लस सिक्स गामा टी इक्वल्स टू जीरो।
एक बार माइनस साइन वगैरह देख लो भाई, थ्री गामा टी स्क्वायर आई थिंक यही होना चाहिए, ये हो जाएगा 360। वेरी गुड, अब इसका करो 2 बीटा इक्वल टू 6 गामा टी। टाइम टी कितना आ गया, 2 बीटा अपॉन 6 गामा यानी 1/3 बीटा अपॉन गामा। तो यानी इस टाइम पे तुम्हारी जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम है ना, इस टाइम पे जो तुम्हारा करंट है वो क्या रहने वाला है, मिनिमम। तो इस क्यू की वैल्यू में अब क्या रखो, ये टाइम रख दो टी, सॉरी आई की वैल्यू में रखो, क्यू में क्यों रखेंगे, आई की वैल्यू में रखो, जो ये आई निकाला है ना अल्फा, ये 2 बीटा टी, इसमें ये टाइम की वैल्यू रखो 1/3 बीटा बाय गामा, क्या आएगा देखो, अल्फा एज इट इज माइनस 2 बीटा, टाइम कितना है 1/3 बीटा अपॉन गामा, फिर हमारे पास 3 गामा टी स्क्वायर, टी कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर, आई थिंक यही है, करो सॉल्व, अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा प्लस 3 गामा बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा, ये यहां से कट जाएगा, ये बचेगा 9 गामा, तो कितना हो गया, सॉल्व करो क्या आ रहा है आंसर बताओ, गामा, देखो सारे कॉफिशियंट सेम हो गए ना, अल्फा माइनस ये 9 एलसीएम ले लोगे तो ये 3 टू 6, 6 प्लस 3 कितना बचा, आई थिंक ए ऑप्शन होना चाहिए, नहीं नहीं 9 है ना, सॉल्व करके बताओ क्या होना चाहिए, नाइन गामा एलसीएम ले लो भाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू 6 बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर, कितना हो गया ये, अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर 9 गामा, ये कट गया, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा यानी डी ऑप्शन, तुम लोगों का क्या आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो तो क्या करा, पहले क्यू से आई निकाला, आई को डिफरेंशिएशन किया दोबारा, डी आई बाई डी टी को से जीरो करा, तो वहां से मुझे टाइम की वैल्यू मिली है ना, कि मतलब इस टाइम पे जो मुझे करंट मिलेगा वो मिनिमम मिलना चाहिए, तो जो आई निकाला था तुमने उस आई में इस वैल्यू को रख दो टाइम की, देखो ये वाली जो ये आई निकाला है इसमें, रख दी, तो अब इसमें टाइम की वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई, मेरा तो डी आ रहा है, तुम लोग सॉल्व करो क्या आ रहा है, समझ आ रहा है कि थोड़ा सा क्या लग रहा है, आ रहा है, हाँ आंसर बताओ कि आ रहा है, डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैम 3 गामा बी स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर, उसके साथ 2 बीटा भी है तो उसका क्या करेंगे, 2 बीटा कहाँ पे आ रहा है उसके साथ, नहीं नहीं ये 2 बीटा तो अलग है भाई, ये 2 बीटा इसके साथ नहीं है, 3 गामा टी स्क्वायर है ना, देखो 3 गामा टी स्क्वायर
तो टी स्क्वायर क्या है, बीटा बाय 9 गामा स्क्वायर, ये अलग है भाई, ये अलग है। डी ऑप्शन आ रही है, अपनी कॉपी में सॉल्व करो ना तुम। मैम ने ये टाइम निकाला है, ये तुम्हारे पास आई है, तो अपनी कॉपी में लिखो ये सब, ठीक है। तो डी ऑप्शन। तो देखो अब अभी यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर कहीं पे भी मिनिमा या मैक्सिमा पूछे तो उस वैल्यू का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखोगी तो यू विल गेट या तो टाइम ऐसा मिल जाएगा जिसपे वो वैल्यू जीरो है, मतलब मिनिमम है, या कुछ ना कुछ चीज तुम्हें मिलेगी। तो यहाँ से तुम्हें टाइम निकल के आया, तो टाइम तुमने कहाँ रखा, करंट की वैल्यू जहाँ पे तुमने आई निकाला है, तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ आई। क्यू में मत रख देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो फोर्थ बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मूव कर रहे हैं, तो कैसे कैसे होगा, कहां से कहां ड्रिफ्ट करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो से हाई? हाई से लो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, यस बी ऑप्शन मैम। करंट मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट मूव करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन मैम। बी क्या है, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक ठीक लग रहा है कि भाई लोअर से हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है, ठीक है। सी क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में तो मूव नहीं करता, हमने देखा है ज़िगज़ैग होता है पाथ, तो सी भी गलत है। मूव इन अ कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो कर्व्ड पाथ करता है या नहीं ये भी हमें पता नहीं है ना, हमें क्या पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा पूरे जर्नी में और लो से हाई पोटेंशियल, तो बी इज द मोस्ट कन्वीनियंट आंसर, तो वी विल टिक बी ऑप्शन ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले तीन सवाल थे ये बहुत ही अच्छे सवाल थे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट करो, कल की क्लास में हम लोग करेंगे सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल के एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे रेजिस्टेंस के, सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे कल की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद केवीएल केसीएल, बस ये तीन टॉपिक मेजर हैं इसमें, फिर हाँ बीट सुन रिजिस्टर। ओके लेट्स सी, पहले पांचवा करो। मैम डी ऑप्शन आएगी। ओके लेट्स सी, क्या कह रहा है सवाल तुम्हारा, कि चार सिचुएशन गिवन है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तुम्हारे सामने हैं जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि करंट, तो एक तो 7 कूलम्ब पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। बी में क्या है, सारे अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है भाई,
shows four in which positive and negative charges ठीक है तो अब सेकंड वाले में क्या है एक तुम्हारा थ्री गुलाम से राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ तो इसमें करंट किधर होगा जहां पे पॉजिटिव करंट चार्ज मूव करेगा अब इसमें ये तो नहीं पता एक पॉजिटिव कौन सा है ठीक है तो अगर सेकंड का देखें तो करंट दोनों की वजह से सेम होगा सपोज करो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो करंट यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ होगा अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी यानी टोटल करंट क्या हो जाएगा एट एड तो टोटल करंट कितना हो गया चार और तीन सात तो इसका भी सेवन कूलम पर सेकंड हो गया ठीक है इसका कितना हो जाएगा एड हो जाएगा ये भी सात कूलम पर सेकंड हो गया ये क्या हो जाएगा देखो दोनों एक डायरेक्शन में मतलब करंट माइनस होगा तो सिक्स माइनस वन कितना हो गया फाइव कूलम पर सेकेंड तो यानी वन टू थ्री सेम है पर फोर्थ क्या है उससे लेस देन है तो डी ऑप्शन अच्छा सी ऑप्शन होगा यस सी ऑप्शन तो लेस देन है ना तो ये कम है यस सी ऑप्शन छठा करो देखो जब भी तुम्हें सेम डायरेक्शन में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मतलब वो करंट को डिक्रीज कर देंगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ जाएगा बेसिक से सवाल आया था सिक्स क्वेश्चन क्या है करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस फ्रॉम 10 एम्पीयर टू जीरो चार सेकंड मतलब चार सेकंड में तुम्हें रेट दिया हुआ है कि करंट डिक्रीज हो गया फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा आई डी टी कितने टाइम में जीरो से चार ये कितना हो जाएगा तुम्हारा आई टी एक सेकेंड जब करंट चेंज हो गया तुम्हारा 10 से 0 चार सेकंड में कॉन्फिगरेशन करो है करंट 10 से 0 हो गया एकदम चार सेकंड के अंदर अंदर तो इंटरवल है तुम्हारे पास चार सेकंड का सेवन और सिक्स दोनों के साथ में आंसर चाहिए सभी
क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। मतलब ये 10 एम्पियर से कितना हो गया, जीरो हो गया देन 4 सेकंड। फिर देखो एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, 4 सेकंड के अंदर अंदर देखो लीनियरली डिक्रीज हुआ है ना, तो कॉन्सेप्ट लगा दो उसका भी, लीनियर एवरेज, एवरेज करंट, एवरेज चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। एवरेज चार्ज क्या होता है, आई डी टी, तो आई कितना है 10, टाइम कितना है तुम्हारे पास 4 सेकेंड, ना 0 से 4 चेंज हुआ है करंट तुम्हारा। और एवरेज का चाहिए तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दो, एवरेज में क्या कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 5 × 4 यानी 20 एम्पियर, 20 कूलम्ब। क्या हुआ तुम्हारे करंट की चेंज की बात कर दी, जबकि हमने अभी तक चार्ज निकाला है टाइम के चेंज के साथ, है ना। यहाँ पे बोल दिया कि तुम्हारा करंट चेंज हुआ है, तो इस केस में हमने क्यों लगाया एवरेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक शब्द था लीनियर, ये करंट जो है लीनियरली डिक्रीज हुआ, तो लीनियरली का फॉर्मूला क्या था देखो, आई डी टी, डी क्यू का फॉर्मूला मेरे पास आई डी टी है, मैंने आई को एज इट इज रख दिया 10, टाइम कितना है देखो 4 सेकंड का इंटरवल है, तो 4 सेकंड को भी एज इट इज लिख दो, टाइम 10 × 4 सेकंड। अब मुझे चाहिए कि इस दौरान कितना फ्लो हुआ है, तो अब मैं इस दौरान का तो नहीं निकाल सकती, मैं क्या लिखूं, एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज निकाल दिया तो कितना आया 20 कूलम्ब, 5 × 4 के आई 10, चार्ज कितना है, टाइम कितना है 4 सेकंड, उसका एवरेज ले, तो ये तुम्हारा चार्ज का एवरेज आ गया विच इज 20 कूलम्ब। एक बार आंसर यहाँ सबको समझ में आया कि मैंने एवरेज क्यों निकाला है। यस मैम, देखो एवरेज इसलिए निकाला है क्योंकि करंट जो है ना लीनियर एकदम से डिक्रीज नहीं हुआ, जैसा बोला है लीनियर डिक्रीज हुआ है, 10 से 0 एम्पियर गया है लीनियरली, पर 4 सेकंड में डिक्रीज हुआ है। तो अब हमने अभी तक जो निकाला है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला है करंट या चार्ज वॉट एवर, अब करंट के चेंज में कैसे निकालें, तो देखो आई डी टी का फॉर्मूला था, आई की वैल्यू गिवन है लिख दी, टाइम का चेंज कितना है मुझे नहीं पता कि करंट इन्होंने कहाँ से मेजर किया है, इन्होंने 20 से 16 सेकंड से 20 सेकंड गए हैं या 0 से 4 सेकंड गए हैं, आई डोंट नो कहां से कहां गए, बस मुझे इंटरवल दिया हुआ है कि 4 सेकंड में करंट ड्रॉप हुआ है, तो टाइम इंटरवल कितना था 4 सेकंड मैंने लिख दिया। अब करंट चार्ज चाहिए तो कैसे निकाले भाई, एवरेज ले लो, अब इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते ना डिफरेंस, तो क्या करते हैं एवरेज, तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला एवरेज का, तो ये लास्ट ऑप्शन था, ये बस एक बार आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। इन्होंने कुछ एरिया करके कुछ किया है एंड एरिया अंडर आई टी कर, बट आंसर सही है हमारा 20 कूलम्ब। ठीक है,
आई डी टी यानी इन्होंने भी वही फॉर्मूला लगाया, वैसे तो 4 × 10 डिवाइडेड बाई 2 किया है ना, तो तुम्हारी मर्जी है किसी भी तरीके से कर लो, एरिया अंडर कर्व करके कर लो या फिर जो मैंने एवरेज वाला बताया है वो कर लो, आंसर सेम ही आना है, हो जाएगा। सेवंथ भी देखो इजी है, 2 से लेके 3 सेकंड तक की लिमिट लगा दोगे और चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। जब भी इंटरवल की बात हो ना कि पूरे 20 सेकंड में 1 से 2 सेकंड में, तो तुम्हें इंटीग्रेशन ही करना है जब तक एट ना लिखाओ, जब तक ये ना लिखाओ फाइंड करंट एट 2 सेकंड, फाइंड करंट एट 20 सेकंड, तब तक तुम जब बिना इंटीग्रेशन के काम चल जाएगा। पर अगर तुम्हें इंटरवल दे दिया कि 0 से 20 सेकंड का निकालो, 0 से 10 सेकंड निकालो, 1 से 2 सेकंड निकालो, तो वहां पर मतलब तुम्हें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी कराने हैं क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ जाओ, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ करंट चार्ज हमने कर ली, शुरू हो जाओ पहले क्वेश्चन से, 5 सवाल हैं, चलो अच्छी बात है। डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट शायद इंट्रोड्यूस नहीं है। सेकंड सवाल करके बताइए, थर्ड करिए, फर्स्ट मत करियो। करंट डेंसिटी अगर वैसे बता भी देती हूँ, 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। देखो तुमने एक फोर डेराइव किया था कल, एक क्वेश्चन ड्रिफ्ट करंट का, विच इज आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी। अगर मैं इस ए को यहां ले जाती हूँ, आई अपॉन ए कर देती हूँ, छोटे ये आई बाय ए, बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। आई बाय ए जो है इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी, यानी करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसे डिनोट करते हैं जे से, बस ठीक है। आई कौन ए करना है भाई, बस लेंथ गिवन है, एक कॉपर वायर की रेडियस तक गिवन है, हमें क्या चाहिए, रेडियस।
आयरन से ज्वाइन कर दिया है तो करंट तो सेम ही होगा ना दोनों में, करंट सेम है तो करंट कब कब सेम होगा, या वेलोसिटी नंबर ऑफ जब चार्ज सेम रहेगा तो क्या कर दो, 1/a का रेशियो कर दो एरिया का, वही 1/ एरिया कर दो, क्या हो गई जे इक्वल्स टू एन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन, और दूसरा तुम्हारा हो गया करंट डेंसिटी ऑफ आयरन, बराबर है आई अपॉन ए के, आई अपॉन ए करंट से में कोई बात नहीं तो क्या हो गया 1/a कर दो, यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये आयरन है तो आयरन का यहाँ पे और एरिया ऑफ कॉपर का यहाँ, तो क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो रेडियस ऑफ आई स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर, तो आयरन की कितनी रेडियस है भाई 3 mm, तो 9, और कॉपर की कितनी है 1 mm, तो 9:1 आंसर, ठीक है कुछ नहीं किया, क्या करंट डेंसिटी जे आई बाय ए होती है, करंट इन्होंने बोला है कि सेम है, चलो सेकंड करो, मैम सेकंड ऑप्शन, सेकंड का सेकंड ऑप्शन है, यस मैम, मैम सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ए वायर क्रॉस सेक्शन वायर दिया है 1 cm स्क्वायर, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, एरिया है ये तो एरिया सेंटीमीटर में गिवन है, तो मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
एनएस फोर मीटर स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। चार्ज कैरियर्स गिवन है तुम्हें इतने, करंट भी गिवन है ये मिली में है, तो इसको एम्पियर में करो, 24 इंटू 10 शुभा माइनस 3, ड्रिफ्ट स्पीड क्या आ जाएगी? I अपॉन ए एन ई है ना, यही हो जाएगी। तो I कितना है, चार्ज कैरियर गिवन है, करंट कितना है 2 इंटू 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है। एरिया भी गिवन है तो कितना 10 टू पावर माइनस 4, चार्ज पार्टिकल गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 23, ई हो जाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस 19, तो क्या हो गया भाई 24 बटे 10 टू पावर माइनस 3, 3 इंटू 1.6, पावर रिजोल्व कर लो 19, 20, 22, 23, ये तो बची ही नहीं पावर, सारी कैंसिल हो गई, ये हो जाए 3 10 टू पावर माइनस 3। है ना ये हो गया 1.6, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 लग जाएगी 10 टू द पावर 4 माइनस 3 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा,
वन बाय टू ये हो जाएगा, एट बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, ये हो गया। अब इसके एक पावर को यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगा टेन टू पावर माइनस टू, ये हो गया वन बाय टू विच इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू, ठीक है, यानी फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। अच्छा तुम ये 0.5 में कंफ्यूज हो गए कि पावर इसमें ऐड करें या कम करें, है तो देखो ये 0.5 है, अब ये है तो पॉइंट ही, अब इसका पॉइंट रिमूव करोगी तो पावर में से एक माइनस करोगी तो 5 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा। क्या ऑप्शन सबका बी आ रहा है भाई? यस मैम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। थर्ड बताओ, एरिया इंक्रीज हो रहा है ए से बी तक, एरिया बढ़ रहा है तो तुमसे पूछा है ड्रिफ्ट स्पीड के साथ क्या होगा। ड्रिफ्ट स्पीड अभी तुमने देखा है, ड्रिफ्ट स्पीड एरिया के इनवर्सली है, तो एरिया बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो ए से बी तक बताओ, एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी। चलो फोर्थ और फिफ्थ करूं, मैम फर्स्ट ऑप्शन के बच्चे बोलो। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया, रेडियस दिया हुआ है आर, थ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं इतनी वेलोसिटी से, करंट फ्लो करेगा तो वायर में, व्हाट इज द करंट इन द अनदर वायर, तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी है, एस आर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी, मैंने करंट आई फ्लो थ्रू ए वायर, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा एन टी, आर स्क्वायर बी में क्या हो जाएगा, अगर रेडियस को हाफ कर दिया तो ये आर स्क्वायर बाय फोर हो गया है ना, बाकी की चीजें, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी टू वी कर दिया तो ये हो गया टू, बाकी की चीजें एज इट इज, आई डैश कितना हो गया आई बाय टू, भाई टू कैसे हो गया, आई बाय टू होगा ना टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टू वी लिख दिया, अब एरिया थोड़ी ना डबल किया है क्या, उसका रेडियस हाफ कर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर बाय टू, तो आर बाय टू का स्क्वायर करोगी तो आर स्क्वायर बाय फोर, और ये टू वी, तो ये क्या हो जाएगा आर बाय टू, और इस सबको किससे रिप्लेस कर दोगी आई से, तो क्या आई बाय टू आएगा ना, टू आई कैसे हो गया, और किसका क्या आ रहा है, ऑप्शन आई बाई टू है, एरिया में ना कभी भी डायरेक्ट एरिया मत लिखना, जब रेडियस में बात है तो एरिया क्या होता है वायर का, क्रॉस सेक्शन वायर का पाई आर स्क्वायर, तो उसकी फॉर्म में लिखो। अब पांचवा करो सिमिलरली, क्या बताओ,
यहाँ पे भी अब एरिया देखो, एरिया के टर्म्स में आएगा आंसर। क्या पूछा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और आपको क्या गिवन है, देखो डायमीटर्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने देखा है 1/a होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पी अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ क्यू इनवर्स में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया किसका, क्यू का, और यहाँ एरिया किसका आ जाएगा, पी का। एरिया पाए से पाए कैंसिल, आर लिख दू तो पी का एरिया कितना है, डी स्क्वायर। Q का एरिया कितना है भाई, Q ये रहा d by 2, तो यानी d square by 4, d square से d square कट गया, ये 1/4 आ गया, ठीक है। तो drift velocity देखो, velocity of P upon velocity of Q equals to 1/4, cross multiply कर दो, 4VP equals to VQ, Vp equals to 1/4 V2, ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गड़बड़ोगे, वही करना है बस, रेडियस का ध्यान रखो, आर स्क्वायर, ठीक है। अब डायमीटर है, अब तुम कई बच्चे कहेंगे कि हम डायमीटर को रेडियस में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, तो देखो दोनों रेशो में है, दोनों डायमीटर में है, चेंज करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि बाय टू दोनों कैंसिल ही हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी क्लियर है तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तो कल वाली क्लास में लोग सीरीज पैरेलल करेंगे। मैं अटेंडेंस लिंक मेरे पास नहीं है बच्चों, सॉरी, आई एम सॉरी। ओके एवरीवन, बाय, गुड नाइट, अगली क्लास जरूर अटेंड करना।